राम जी, आप सबको आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये डिजाइन वाले फंदे डालना सिखाऊंगी। ये फंदे भी डिजाइन वाले हैं और ये जाली बना के फिर बना रखा है ये बॉर्डर। ये देखो, पहले हमें ये चार धागे हैं, देखो चार धागे ऐसे, पहले दो बना लेंगे धागे, फिर तीन, फिर ऐसे करके एक बार फिर चार। चार धागे का डालना चाहो चार का डाल लो, पांच का डाल लो पांच का डाल लो, अगर तीन का डालना है तीन का डाल लो। फिर ये जो डबल वाला धागा है ऐसे सिलाई कर ली, फिर एक बार फिर यूं लपेट लेंगे। अब ये दो फंदे हो गए, फिर ये फंदा धागा जो एक धागा है ये धागा ऐसे उंगली पर लपेट लेंगे, और जो ये चार धागे हैं ये धागे ऐसे कर लेंगे, फिर यहाँ से सिलाई डाल लेंगे यूं, और ये धागा ऐसे पकड़ लेंगे सिलाई में यूं। अब ये एक फंदा, तो पहला फंदा तो इस तरह डाल लेंगे, धागा अंगूठे के इस साइड है। अब दूसरा फंदा डालेंगे ऐसे करके, ये धागा अंगूठे के इस साइड आ गया। अब ऐसे, अब यहाँ से सिलाई डाल के यूँ ये धागा ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे करके, यूँ यहाँ से सिलाई डालेंगे और ये धागा ऐसे पकड़ के यूँ लेके आएंगे। अब एक जगह दो फंदे डालेंगे, दो डाल दिए देखो, एक फंदा यहाँ से यूं करके डालेंगे आगे की साइड से, एक फंदा ऐसे पीछे की साइड से यूं पकड़ के डाल लेंगे। फिर एक फंदा, पहला फंदा यूं डाल लेंगे आगे की साइड से, ये धागा पकड़ लेंगे। ऐसे डाल लेंगे जैसे हम नॉर्मल फंदे डालते हैं। फिर दूसरा फंदा यहाँ से ये धागा ऐसे पकड़ेंगे, फिर एक फंदा, पहला फंदा ऐसे डाल लिया, फिर दूसरा फंदा ऐसे पीछे की साइड से यूं डाल लेंगे, एक फंदा आगे की साइड से, ये फंदा ऐसे बीच से निकाल लिया ये। फिर दूसरा फंदा ऐसे यहाँ से सिलाई डाल के ये धागा ऐसे पकड़ लेंगे, एक फंदा आगे की साइड से, एक फंदा पीछे की साइड से। अगर दोनों आगे की साइड से डालेंगे तो ये गांठ नहीं बनेगी। फिर एक फंदा आगे की साइड से, ऐसे डाल लेंगे, एक फंदा पीछे की साइड से, ऐसे डाल लेंगे यूं। ये आगे की साइड से डाला था, अब ये एक फंदा ऐसे पीछे की साइड से, एक आगे की साइड से, एक फंदा ऐसे पीछे की साइड से, एक फंदा आगे की साइड से, एक फंदा पीछे की साइड से, ऐसे डाल लेंगे सारे फंदे।
ये थोड़ा छोटा पड़ गया ये धागा। अब देखो ऐसे डलेंगे ये फंदे। अब हम पहली सिलाई उतारेंगे। पहली सिलाई ये दो फंदे हैं, दोनों फंदे सीधे बना लेंगे पहले ऐसे, फिर अपनी तरफ धागा करके। अब ये दो फंदे आ गए आगे, ऐसे दोनों इकट्ठे डाल लेंगे सिलाई में, जाली बना लेंगे। अपनी तरफ धागा है ये, जाली बना लेंगे और साथ में दो का एक, फिर अपनी तरफ धागा करके दो का एक जाली बना लेंगे और दो का एक, फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना लेंगे और दो का एक, फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना लेंगे दो का एक, फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना लेंगे दो का एक, फिर अपनी तरफ धागा करके जाली बना लेंगे दो का एक, जाली बना लेंगे फिर दो का एक, फिर जाली बना लेंगे दो का एक। अब ये पहली सिलाई है, सीधी सिलाई है, सारे फंदे इस तरह उतार लेंगे हम। ये सीधी सिलाई उतारी है पहली, ये उल्टी साइड है हमारी, इस तरफ सीधी सिलाई उतार ली। अब दूसरी सिलाई आ गई, ये देखो ये सीधी साइड है। अब दूसरी सिलाई आ गई, दूसरी सिलाई में भी हमें सारे फंदे ऐसे सीधे बना लेंगे। मैं दोनों सिलाई सीधी उतार रही हूँ, आप अगर उल्टी उतारना चाहो तो सारी सिलाई उल्टी उतार लेना, मैं सीधी बना रही हूँ सारी सिलाई। आपने ऐसे बना के ये एक सीधी बना ली, पहली सिलाई उल्टी साइड की जो सीधी बना ली, अब ये दूसरी सिलाई है सीधी साइड है, ये सारे फंदे हम सीधे बना रहे। दो सिलाई उतार के आगे ऊपर दूसरा डिजाइन बनाओ तो वो भी बना लेना। मैं ये सारे फंदे सीधे बना रही हूँ, नीचे जाली बना के दो सिलाई में, फिर आगे दूसरा डिजाइन शुरू कर लो ऊपर। अब आगे तीसरी सिलाई, ये सिलाई भी मैं सीधी बना रही हूँ। ये देखो इस तरह बनेगा। ऊपर 10 सिलाई उतारना चाहो 10 उतार लो, 15 उतारना चाहो 15, 20 जितनी बनानी है इतनी सिलाई उतार लो, इस तरह बनेगा ये। हाँ जी, मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।